हेलो गाइस, वेलकम टू मैकेनिकल इंजीनियर्स वर्ल्ड। हमने क्या स्टार्ट किया था? एक्सेलरेशन। तो हम फोर बार मैकेनिज्म के ऊपर एक्सेलरेशन एनालिसिस करेंगे। तो ये हमने एक न्यूमेरिकल लिया है कि ये हमारे को एक फोर बार मैकेनिज्म दिया हुआ जिसके अंदर लिंक ए बी ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है और अल्फा एक्सेलरेशन से, और इसका एंगल दिया हुआ हमारे को थीटा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका नॉर्मल डायग्राम ड्रॉ करते हैं। उसके अंदर इनकी लेंथ दी भी होगी ए डी ए बी बी सी ए डी। तो हम इसका नॉर्मल डायग्राम ड्रॉ करते हैं नॉर्मल ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन के थ्रू। ठीक है, ये हमारे को इसका नॉर्मल डायग्राम ड्रॉ कर लिया ए बी सी डी। और हमारे को न्यूमेरिकल में क्या गिवन है? ओमेगा ऑफ ए बी गिवन है। तो यहाँ से अपन निकाल लेंगे बी ओमेगा इक्वल टू बी अपॉन आर। वेलोसिटी किस पॉइंट की आएगी? बी पॉइंट की अपॉन आर। आर क्या होगी? इसकी लिंक की लेंथ कितनी? ए बी। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे? वी बी हमारे को नोन हो जाएगी, जिसका हेल्प किस में लेंगे? हम वेलोसिटी डायग्राम बनाएंगे जब। और इसकी अल्फा वैल्यू गिवन है, तो अल्फा इक्वल टू क्या होता है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इनटू लेंथ। तो अल्फा किसकी दी हुई है हमारे को? ए बी की। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन किसकी निकलेगी? ये ए बी की और इनटू ए बी। तो यहाँ से हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं किसकी? लिंक ए बी की। तो ये हमारे को नॉन रहेगी और यहाँ पे वेलोसिटी डी पॉइंट नॉन रहेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बनाते हैं इसका वेलोसिटी डायग्राम। तो ये इसका वेलोसिटी डायग्राम बनाते हैं हम। वेलोसिटी डायग्राम ए और डी पॉइंट, एक फिक्स पॉइंट जो ये लिंक है किसके अबाउट रोटेट कर रहा है? बी पॉइंट ए पॉइंट के अबाउट और सी पॉइंट डी पॉइंट के अबाउट। ये एक फिक्स है, तो दोनों को एक जगह कंसिडर करेंगे हम, ए और डी पॉइंट को। तो ये हमने ए और डी पॉइंट एक जगह कंसिडर कर लिया है। ठीक है, अब हमारे को वेलोसिटी एट बी पॉइंट पता है भीतर किसके रेस्पेक्ट में? ए पॉइंट के रेस्पेक्ट में। ठीक है, ये हमारे को पता है, ये रहा बी पॉइंट। अब ए पॉइंट के रेस्पेक्ट में हम जब भी वेलोसिटी डायग्राम बनाते हैं तो इसकी जो वेलोसिटी लाइन आएगी वो क्या आएगी? इसके परपेंडिकुलर आएगी। ठीक है, तो ये हमारे को परपेंडिकुलर पता है किसकी वैल्यू? वेलोसिटी एट बी पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू पॉइंट ए। तो ये हमारा पॉइंट आ गया कौन सा? बी पॉइंट आ गया। ठीक है, अब हम यहाँ से देखते हैं तो ये डी पॉइंट है, तो सी पॉइंट की वेलोसिटी निकाल सकते हैं हम किसके रेस्पेक्ट में? डी पॉइंट के रेस्पेक्ट में। तो ये हमने नॉर्मल इस डायग्राम के थ्रू, हम ज्योमेट्री के थ्रू इधर एंगल ड्रॉ करके लाइन खींच देंगे और वो किसके जाएगी? इसके परपेंडिकुलर। तो हमारी जो वेलोसिटी लाइन जाती है वो क्या जाती है? परपेंडिकुलर। ये क्या होगी? वेलोसिटी एट सी पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू डी। ठीक है, ये हमारा बी पॉइंट आ गया था, यहाँ हमारे को वैल्यू नॉन थी, यहाँ अननोन है, वीसी की वैल्यू पता नहीं है। तो यहाँ क्या करेंगे हम? यहाँ से एंगल मेजर करेंगे, एंगल मेजर करके लाइन ड्रॉ करेंगे और इसके वेलोसिटी लाइन क्या होती है? इसके परपेंडिकुलर। तो ये हमारे को पॉइंट मिल जाएगा कौन सा? ये हमारा कौन सा पॉइंट था? बी पॉइंट। और ये हमारे को पॉइंट मिल गया सी पॉइंट। तो ये वेलोसिटी किसकी हो जाएगी? वेलोसिटी एट सी विथ रेस्पेक्ट टू पॉइंट बी। ठीक है, ये हमने यहाँ पे वेलोसिटी डायग्राम बना लिया, इसको स्केल से मल्टीप्लाई करके हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं किस किस की। वी बी की तो हमारे को नॉन थी न्यूमेरिकल के अंदर, वी वेलोसिटी एट सी पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू पॉइंट बी और वेलोसिटी एट सी पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू पॉइंट डी। तो डी फिक्स है तो इनको लिखना ज़रूरी नहीं है, जैसे वेलोसिटी एट बी विथ रेस्पेक्ट टू पॉइंट ए, तो हमने यहाँ पे ए भी नहीं लिखा। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या बनाएंगे? इसका एक्सेलरेशन डायग्राम। एक्सेलरेशन डायग्राम हम बनाते हैं, इसको रब करते हैं यहाँ पे, अब हम इसका एक्सेलरेशन डायग्राम बनाते हैं। एक्सेलरेशन डायग्राम ए और डी पॉइंट हमारा फिक्स है, तो ये एक फिक्स पॉइंट पे लाई करेंगे। इसको ले लिया हमने ए और डी पॉइंट। ठीक है, अब हमारे को ए पॉइंट की रेडियल एक्सेलरेशन, रेडियल एक्सेलरेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे? रेडियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? अल्फा आर इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन
आर। तो यहाँ से जो वेलोसिटी हम फाइंड आउट करेंगे उसे एक टेबल बनाएंगे। टेबल क्या बनाएंगे, एस नंबर, देन नेम ऑफ लिंक, देन लेंथ ऑफ लिंक, देन वेलोसिटी ऑफ लिंक। इसको वी, लेंथ ऑफ लिंक को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, आर। देन क्या आएगी इसकी, रेडियल एक्सेलरेशन। रेडियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, वी स्क्वायर अपन आर। तो इससे सारे लिंक की हम रेडियल एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। और हमारे को टेंजेंशियल एक्सेलरेशन सिर्फ एक की पता है, किसकी, फर्स्ट नंबर वाले लिंक की। जैसे लिंक ए बी, नेम ऑफ लिंक कौन सा है, ए बी, इसकी कुछ होगी, कुछ वेलोसिटी निकलती है इसकी, इसकी कुछ रेडियल एक्सेलरेशन आई है और कुछ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमने फाइंड आउट करी है। ऐसे ही लिंक बी सी, इनकी भी पता रहेगी पर टेंजेंशियल नहीं पता रहेगी। ऐसे लिंक सी डी की भी रहेगी। तो अब ई डी पॉइंट से अपन इसका एक्सेलरेशन डायग्राम बनाते हैं। तो एक्सेलरेशन डायग्राम हम देखते हैं, सबसे पहले तो ये रहा पॉइंट ए, ठीक है। जो रेडियल एक्सेलरेशन होता है वो इसके जस्ट पैरेलल होता है, तो हम इसके पैरेलल ड्रॉ करेंगे जितना भी रेडियल एक्सेलरेशन रहेगा। और जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन रहता है वो इसके परपेंडिकुलर रहता है। जैसे यू रोटेट कर रहे हैं तो इसका परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में आएगा। तो ये क्या है इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ये क्या है अल्फा आर, कौन से पॉइंट का, कौन से लिंक का, लिंक ए बी। और ये क्या है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, कौन से लिंक का, ए बी लिंक का, ठीक है। ये हमारा कोई पॉइंट आ गया। अब ये हमारा बी पॉइंट आ गया। अब बी पॉइंट से इसकी रेडियल एक्सेलरेशन देखते हैं हम। तो ये इसकी रेडियल एक्सेलरेशन आएगी, ये हमारे को वैल्यू पता रहेगी। और इसकी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो रहेगी वो इस लिंक के क्या रहेगी, परपेंडिकुलर रहेगी। तो इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे हम, ये इसका परपेंडिकुलर हो गया। अब ये कितनी जाएगी ये हमारे को अननोन है। तो ये तो हमारे को नोन थी क्या, रेडियल एक्सेलरेशन ऑफ लिंक बी सी। और ये क्या है इसकी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ लिंक बी सी, ये हमारे को अननोन रहेगी, इसका मैग्नीट्यूड नहीं पता रहेगा, ठीक है। फिर हम वापस कहाँ जाते हैं, डी पॉइंट से। डी पॉइंट से जो इसका ये रेडियल एक्सेलरेशन रहेगी सी पॉइंट की, किसके रेस्पेक्ट में, डी पॉइंट के रेस्पेक्ट में, ये इसकी रेडियल एक्सेलरेशन है, कितनी रहेगी अल्फा आर लिंक सी डी। जो इसकी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन रहेगी वो इसके परपेंडिकुलर रहेगी, वो इसके परपेंडिकुलर रहेगी। तो ये परपेंडिकुलर, अभी एक जगह एक दूसरे को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। ये एक जगह इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को, तो ये क्या हो जाएगी हमारी अल्फा टी सी डी। और ये किसकी मिल जाएगी हमारे को, अल्फा टी बी सी, ये बी सी वाली थी, एक जगह इंटरसेक्ट कर रही, इसको छोटा कर दो, ठीक है। तो ये यहाँ से हम मेज़र करके स्केल से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, अल्फा टी सी डी फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ से हम, और अल्फा टी बी सी यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा फोर बार मैकेनिज्म की वेलोसिटी एक्सेलरेशन एनालिसिस हमने कर ली, इसका एक्सेलरेशन डायग्राम बना दिया। नेक्स्ट हम सिंगल स्लाइडर मैकेनिज्म के ऊपर एक्सेलरेशन एनालिसिस करेंगे, ठीक है। होप आपको वीडियो समझ आई होगी। थैंक यू, जय हिंद।